नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। आचार संहिता लागू होने के बाद भी जिला अस्पताल की दीवारों से नहीं हटे स्लोगन, योजनाओं को प्रचारित करने वाली वॉल पेंटिंग से दीवारें अब तक है रोशन। बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी अरुण साव ने बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में लिया नामांकन, अरुण साव को टिकट मिलने के बाद किसी में नजर नहीं आ रहा उत्साह। इटावा में लोकसभा के उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया इटावा के रामदास उत्सव गार्डन पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता लागू हुए एक पखवाड़ा हो चुका है। बावजूद बुरहानपुर जिला अस्पताल की दीवारों पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ उनकी योजनाओं को प्रचारित करने वाली वॉल पेंटिंग से दीवारें अभी तक गुलजार है। जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग की नजर अभी तक इन दीवारों पर नहीं गई है। कांग्रेस ने जिला निर्वाचन विभाग की इसकी मौखिक शिकायत की है, साथ ही मीडिया ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन सक्सेना ने मामले के संज्ञान में आने पर तत्काल इन वॉल पेंटिंग को विलोपित करने के निर्देश देने की बात कही है। देखिए, आपने जैसा मुझे बताया है, मैं इमीडिएटली इसमें माननीय कलेक्टर साहब को और कमिश्नर नगर निगम को से मैं बात करूंगा और जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश होंगे उसमें तत्काल हम कार्रवाई करेंगे और इस तरह का अगर कुछ मिलता है तो तत्काल उस पे उसको ऊपर से उसको पेंट करने की कार्रवाई हम तत्काल स्टार्ट कराएंगे। बुरहानपुर से तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी अरुण साव ने बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में ही नामांकन पत्र लिया। एक और भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में भाजपा से अरुण साव को टिकट मिलने के बाद भाजपा के नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता में भी उत्साह नजर नहीं आ रहा है और अरुण साव से दूरी बनाए रखे हैं। अब देखना होगा कि अरुण साव वरिष्ठ नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बिना भाजपा की नैया कैसे पार करेंगे और नरेंद्र मोदी को कैसे फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाकर भाजपा का सपना पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इटावा में लोकसभा के उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया आज इटावा के रामदास उत्सव गार्डन पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अशोक दोहरे को उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जहां भाजपा के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीता था। अब की बार अशोक दोहरे का टिकट काटकर उनकी जगह भाजपा ने आगरा से सांसद रहे रामशंकर कठेरिया को इटावा की सीट के लिए उतारा है। आज इटावा में आए भाजपा प्रत्याशी राम शंकर कठेरिया ने कहा कि 2009 में भारतीय जनता 10 सीटों पर जीती थी, जहां एक सीट हमें मिली थी, लेकिन मायावती जी ने हमें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया था और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनसे जबरन अपनी जीत का प्रमाण पत्र छीन लिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लहर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। आजम खान ने एक बयान दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए तो आने वाले समय में दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस बयान से लेते हैं आप इसको? देखिए, आजम खान बोलते बुद्धि से नहीं बोलते हैं, वो क्या बोल देते हैं उसको कोई सुनता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल का प्रांतीय अधिवेशन कृषि भूमि ग्राम आसाई में कृषि संरक्षण एवं गौवंश संवर्धन पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्याम महाराज की विशेष उपस्थिति में आयोजित हुआ। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे श्याम जी महाराज ने गौ संवर्धन पे कहा कि कृषि रक्षा एवं गौवंश संवर्धन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हमें अपनी संस्कृति, स्वास्थ्य एवं संरक्षण का प्रदान करना है तो हमको गौवंश का संरक्षण करना पड़ेगा और गौमाता से पैदा होने वाले बछड़ों से खेती करना किसानों को प्रारंभ करनी पड़ेगी। अगर हम किसी गौवंश से करना प्रारंभ करेंगे तो हमारे किसानों और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारे किसान परिवार स्वस्थ रहेंगे, हमारा आर्थिक पक्ष भी बहुत ही मजबूत होता चला जाएगा। तमाम प्रकार की कृषि में प्रयोग होने वाली रासायनिक खादों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण हम बहुत घातक बीमारियों से भी बच सकेंगे। संरक्षण में कुछ नहीं कर पा रहे सरकार।
तो गायों के संरक्षण में का कर रही है, अपनी लुटिया डुबोए है। कांग्रेस पूरी गायों की तस्करी करवा रही है और कांग्रेस ने हिंदुत्व और गौरक्षा का सत्यानाश पूरी तरह कर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। फरुखाबाद में मायके में रह रही पत्नी की पति ने फिल्मी अंदाज में अपहरण कर हत्या कर दी। उसका शव गांव के पड़ोस में गन्ने के खेत में पड़ा पाया गया। पत्नी की हत्या को छिपाने के लिए पति ने तेजाब डालकर उसके चेहरे को जला दिया। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामला जिले के थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव गजीपुर का है। वहां के रहने वाले हरिश्चंद्र ने बताया कि उसने अपनी पुत्री सविता का विवाह थाना जहानागंज के ग्राम चौकी मोहम्मदपुर के रहने वाले अमित के साथ 20 अप्रैल 2018 में किया था। अमित तथा उसके परिवारजन शादी के बाद से ही उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लग गए थे। पुत्री ने ससुराल के लोगों द्वारा दहेज को लेकर मारपीट करने की शिकायत मायके आकर कई बार की और 3 महीने से वह अपने मायके ग्राम वजीपुर में रह रही थी। 26 मार्च को अमित ने उसकी पुत्री को फोन करके गांव के बाहर बुला लिया। हरिश्चंद्र ने बताया कि उसका दामाद अमित अपने साथ 4 लोग लाया था जो अलग अलग 2 बाइकों पर सवार थे। गांव वालों ने देखा कि उसकी पुत्री सविता जब गांव के बाहर अमित के पास पहुंची तो उसने उसका अपहरण कर लिया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव चौकी महमदपुर ले आया। 26 मार्च को जब सविता वापस नहीं आई तो उसने उसकी ससुराल चौकी महमदपुर जाकर पता किया। आज गाँव के पड़ोस में ही एक गन्ने के खेत में सविता का शव पड़ा पाया गया। उसके शव को तेजाब डालकर जला दिया गया। मृतका के पिता हरिश्चंद्र ने दामाद अमित कुमार जेठ प्रमोद कुमार, प्रमोद की पत्नी और अमित के बहनोई मुकेश कुमार के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामला मेरी बेटी को अमित जिनकी शादी 24 अप्रैल 2018 को चौकी महमदपुर निवासी अमित थनाप महेश नारायण के साथ की थी, जिसमें दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया गया। 2 तोले की लर मांग रहे थे, दहेज मैंने उससे फाजिल में दे दिया। प्राथमिक स्तर पर जो सूचनाएं मिली हैं उनके अनुसार बताया गया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या उनकी कर दी है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बाकी तहकीकात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।